आज हम जिस शिलालेख को पढ़ेंगे उसका शीर्षक है आराधना का जवाब क्यों नहीं मिलता। चार अप्रैल 1988 को गुरुदेव ने इस दिव्य लेख को लिखा था, जो एवीएस के जोधपुर के संस्थापक और संरक्षक हैं। गुरुदेव ने लिखा है, संसार में हर कार्य का फल मिलता है। हम कोई भी कार्य करें उसका परिणाम अवश्य होगा। परिणाम हमारी इच्छा के अनुसार मिलना कोई जरूरी नहीं, परंतु कोई भी कार्य निरर्थक नहीं होता। हम जो कुछ भी करते हैं दूसरी तरफ से प्रत्युत्तर अवश्य मिलता है। वह सकारात्मक या नकारात्मक हो सकता है, परंतु निरुत्तर नहीं रहता। आगे गुरुदेव ने लिखा है, इस प्रकार प्रथम आत्म जागृति ही कठिन है। जिस प्रकार एक दीपक के प्रज्वलित होने पर दीपों से दीप जलाने में कोई देर नहीं लगती, इसी प्रकार एक जलता दीपक असंख्य दीपक जलाकर संसार का अंधेरा खत्म कर सकता है। एक चेतन गुरु ही संसार के लिए पर्याप्त है। गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग, 4 अप्रैल 1988। परंतु हम देखते हैं आध्यात्मिक आराधना का हमें कोई उत्तर नहीं मिल रहा है। हम काल्पनिक विश्वास से चाहे अपने आप कुछ भी मान ले, परंतु प्रत्युत्तर जैसी बात नहीं होती। भौतिक जगत में हम किसी की सेवा करते हैं तो उसके बदले हमें कुछ न कुछ मिलता है। जो कुछ मिलता है उसकी प्रत्यक्षानुभूति होती है और देने वाले की भी प्रत्यक्षानुभूति और साक्षात्कार होता है। जो कुछ भी हम खाते पीते हैं उस वस्तु के गुण धर्म के अनुसार हमें स्वाद और आनंद मिलता है, और वह वस्तु अपना प्रत्यक्ष प्रभाव भी दिखाती है। परंतु आध्यात्मिक जगत में यह सिद्धांत पूर्ण रूप से असफल क्यों हो रहा है? इसका एक तरफा कार्य को करते करते संसार के लोग निराश हो चुके हैं। धर्म गुरु अशिक्षित और भोले भाले लोगों को तर्क के आधार पर निरुत्तर करके अंधविश्वास के सहारे चलने को मजबूर कर देते हैं, परंतु बुद्धिजीवी और युवा वर्ग बिना परिणाम के उनके आदेश को मानने को तैयार नहीं है। हमें इस पर निष्पक्ष होकर विचार करना ही पड़ेगा। यह मानव समाज में एक ऐसी भयंकर बीमारी फैल चुकी है जिसने संसार के लोगों से सुख शांति छीन ली है। इस समय संसार में प्रकट शक्ति को अगर पूर्ण रूप से सृजन में लगा दिया जाए तो पृथ्वी पर स्वर्ग उतर सकता है। गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग, 4 अप्रैल 1988। हम देखते हैं संसार की पूर्ण व्यक्त शक्ति का करीब 75% भाग संहार और विध्वंस के लिए खर्च किया जा रहा है। हर व्यक्ति चालाकी और होशियारी के द्वारा औरों का शोषण और दमन करके सुखी बनने के प्रयास के बावजूद दुखी और अशांत निरंतर होता जा रहा है। यही स्थिति संसार के सभी राष्ट्रों की है। सारे संसार में आज जितना अंधकार व्याप्त हुआ है पहले कभी नहीं था। हम देख रहे हैं कि इस समय तो धर्म की आड़ में भी संसार के मानव का भारी शोषण होने लगा है। पाप पुण्य स्वर्ग नरक का भय दिखाकर जितना शोषण संसार के सभी धर्मों में इस समय हो रहा है पहले कभी नहीं हुआ। संसार में इस समय जितनी भी आराधना पद्धतियां प्रचलित हैं वे प्रायः सभी बहिर्मुखी हैं। इसके अलावा निर्जीव वस्तुओं के माध्यम से सभी धर्म गुरु आराधना करवा रहे हैं। कोई भी भौतिक निर्जीव वस्तु स्वयं मनुष्य का भला बुरा करने की स्थिति में नहीं होती। ऐसी स्थिति में प्रत्युत्तर मिलने का प्रश्न ही नहीं उठता। हमारे सभी ऋषि कह गए हैं, उस परम सत्ता का निवास अपने शरीर के भीतर ही है।
हमारे सभी धार्मिक ग्रंथ भी यही बात करते हैं। अतः अंतर्मुखी आराधना के बिना काम नहीं बन सकता। गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग। यह आराधना भी कोई आसान कार्य नहीं है। यह परम सत्ता ऐसे भयंकर चक्रव्यूह को पार करने पर मिलती है, जिसे पार करना अकेले जीव के लिए बहुत कठिन है। इस रास्ते पर चलने के लिए किसी भेदी संत सद्गुरु की आवश्यकता होती है। भगवान राम और कृष्ण को भी गुरु धारण करना पड़ा था। इसके अलावा सभी संत गुरु की महिमा का गुणगान कर गए हैं। अगम लोक का भेद और रास्ता केवल गुरु कृपा से ही प्राप्त हो सकता है, और कोई रास्ता ही नहीं। कबीरा धारा अगम की सद्गुरु दई लखाए, उलटता ही पढ़िए सदा स्वामी संग लगाए। राधा कृष्ण संत कबीर ने कहा है। कबीर ने तो यहाँ तक कह दिया, गुरु गोबिंद दोऊ खड़े किसके लागू पाऊं, बलिहारु गुरु देव की गोविंद दियो मिलाए। जो नैनन में पूतली त्यो खालिक घट माही, मूरख लोग न जानही बाहर ढूंढत जाही। जो तिल माही तेल है चो चकमक में आग, तेरा प्रीतम तुझ में जाग सके तो जाग। पुष्प मध्य जो वास है व्याप रहा सब माही, संतो माही पाई ये और कहूं कुछ नाही। संतों ने उस परम सत्ता का स्थान स्पष्ट करते हुए कहा है। चेतन गुरु की वाणी में जो प्रभाव और शक्ति होती है वह छिपी नहीं रह सकती। वही बात एक कथावाचक या उपदेशक बहुत ही अच्छे ढंग से कह सकता है, वह बहुत कर्ण प्रिय लगेगी, परंतु उपदेश समाप्त होने के बाद उसका कुछ भी प्रभाव आप पर नहीं बचेगा। इस बात से आप में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, परंतु वही बात चेतन गुरु द्वारा कही जाने पर इतनी प्रभावशाली और गहरी पैठ कर जाती है कि आप जीवन भर उसे भूल नहीं सकते। वह आपके जीवन में जबरदस्त परिवर्तन कर देगी। एक बार जिज्ञासु बनकर ऐसे सत्संग में चले गए तो फिर बार बार जाने की इच्छा होगी, जिसे आप रोक नहीं सकेंगे। इस प्रकार आपका जीवन परिवर्तित हो जाएगा और आप द्विज बन जाएंगे। और अगर साधारण व्यक्ति जो अच्छा कथावाचक या उपदेशक हो, उसका उपदेश जीवन भर असंख्य बार आप सुने, तो भी आपके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। इस संबंध में कनाडा के टोरंटो चर्च के पादरी डॉक्टर ओजे स्मिथ ने एक जगह लिखा है, जब मनुष्य पवित्र आत्मा की शक्ति में से होकर आया हुआ वचन सुनता है, तो वातावरण में एक विचित्र रहस्यपूर्ण शक्ति उपस्थित लोगों को प्रभावित करती है। और जब मनुष्य शारीरिक और दिमागी शक्ति द्वारा दिया हुआ वचन सुनता है, तो वह रहस्यपूर्ण विचित्र वातावरण तथा प्रभाव अनुपस्थित रहता है। यदि आप वास्तव में आत्मिक जन हैं, तो इन दोनों के अंतर को पहचान सकते हैं। गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग, 4 अप्रैल 1988। धीरे धीरे ज्यों ज्यों आराधना गहरी होती जाएगी, गुरुदेव ने बताया, धीरे धीरे ज्यों ज्यों आराधना गहरी होती जाएगी, प्रत्यक्षानुभूति और साक्षात्कार स्पष्ट होते जाएंगे। इस प्रकार जीव का विश्वास निरंतर अपनी ही अनुभूतियों के कारण पक्का होता चला जाएगा। ऐसी स्थिति में मनुष्य को प्रार्थना का सही उत्तर मिलना प्रारंभ हो जाएगा। जो जो रास्ता कटता जाएगा, आराधना में आनंद बढ़ता जाएगा। इस प्रकार जीव एक ही जन्म में परमानंद की स्थिति में पहुंच जाता है, क्योंकि तामसिक वृत्तियां ऐसे जीव के पास से ही नहीं गुजर सकती। अतः ऐसे जीव से संपर्क करने वाले लोगों में भी उस सात्विक शक्ति की लहर दौड़ने लगेगी। लास्ट में गुरुदेव ने बताया, इस प्रकार प्रथम आत्म जागृति ही कठिन है। जिस प्रकार एक दीपक के प्रज्वलित होने पर दीपों से दीप जलाने में कोई देर नहीं लगती, इसी प्रकार एक जलता दीपक
असंख्य दीपक जलाकर। इसी प्रकार एक जलता दीपक असंख्य दीपक जलाकर संसार का अंधेरा खत्म कर सकता है। एक चेतन गुरु ही संसार के लिए पर्याप्त है। एक चेतन गुरु ही संसार के लिए पर्याप्त है। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव।